हेलो दोस्तों, आज हम इस ब्रह्मांड के सबसे जटिल जीव मानव के शरीर से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अध्याय को। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है एक स्वस्थ व्यक्ति के जीव में 10,000 स्वाद कणिकाएं यानी टेस्ट बड्स होती हैं। फैक्ट नंबर 19, क्या आप जानते हैं हमारे नाक में प्राकृतिक एयर कंडीशनर यानी AC होता है, जो की वातावरण की ठंडी हवा को गर्म और गर्म हवा को ठंडी करती है और फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करती है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों यह बात तो आपको पता ही होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसी बात से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इतना लोहा मौजूद होता है कि जिससे एक 3 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है और इतना कार्बन मौजूद होता है जिसका उपयोग करके 900 पेंसिल बनाई जा सकती है और हमारे शरीर में इतना वसा मौजूद होता है जिससे 7 साबुदाने की टिकिया बनाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर में 4 ग्राम लोहे की कमी हो जाए तो वह गंभीर बीमारी का शिकार हो सकता है। इस बात से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स का हमारे शरीर को हेल्दी बनाने में कितना बड़ा योगदान होता है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों हमारे दांत शरीर के एकमात्र ऐसा अंग है जो खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे हमारे बॉडी के किसी भी भाग पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बन जाता है, लेकिन अगर हमारा दांत थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है तो वह खुद को रिपेयर नहीं कर सकता। और क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा दांत गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले सर आइजैक न्यूटन का था। 1816 ईस्वी में नीलामी के दौरान इनका दांत $3633 में बिका था, जो कि आज के समय में $36,000 के बराबर है। वहीं भारतीय रुपए में यह 22 लाख रुपए के बराबर होता है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों हमारे दांत पूरी तरह से सफेद नहीं होते हैं बल्कि हल्के पीले रंग के होते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों हमारे लंग्स यानी फेफड़े हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक, दिन हो या रात ये हमेशा हवा को फिल्टर करते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे फेफड़े अलग अलग साइज के होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मानव का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। और मैं आपको ये बता दूं, दोनों फेफड़े का वजन 350 ग्राम होता है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे डिप्रेशन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप में से कोई डिप्रेशन का शिकार है तो यह फैक्ट आपकी लाइफ को बदल सकता है। एंजाइटी मूड खराब रहने का मुख्य कारण आपके दिमाग में रिलीज होने वाले हार्मोन्स हैं। जब दिमाग में केमिकल रिएक्शन इनबैलेंस होता है तो व्यक्ति का मूड बेवजह खराब रहने लगता है। तो दोस्तों केमिकल इनबैलेंस ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है रनिंग। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुए खोज से यह पता चला है कि सुबह में रनिंग करने से डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में भोजन पचने के बाद पोषक तत्वों को अवशोषित करने का कार्य छोटी आंत का होता है। और छोटी आंत बोलने को तो छोटी है, लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी ज्यादा होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसकी असल लंबाई को जानकर आप शायद चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई 18 से 23 फीट के बीच होती है, यानी इसे बिल्कुल सीधा रखा जाए तो ये आपकी हाइट से 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बड़ी आंत में पानी और नमक को अवशोषित करने का कार्य किया जाता है। फैक्ट नंबर 11, जिस तरह घर का निर्माण ईंटों से होता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। शरीर में करोड़ों की संख्या में कोशिकाएं मौजूद है, लेकिन क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कौन सी कोशिका बड़ी और कौन सी कोशिका छोटी होती है? अगर साइंस की माने तो सबसे छोटी कोशिका पुरुष के लोअर बॉडी में मौजूद स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में अंडारु है, और अंडारु इतने बड़े होते हैं कि इन्हें नग्न नाखों से भी देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों आपने लोगों के नाखून में ऐसे सफेद निशान को तो देखा ही होगा, अभी सोचा है ये कुछ लोगों के नाखून में ही क्यों होता है? दरअसल नाखूनों पर मौजूद सफेद दाग आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी का कारण होता है। हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे बॉडी में कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो उसके सिम्टम हमें जल्दी दिखाई देने लगते हैं ताकि हम उसे तुरंत ठीक कर सके। फैक्ट नंबर 9, हमारे ओठ पूरे शरीर के सबसे ज्यादा सेंसिटिव भाग होते हैं। वहीं ओठों के पीछे एक मैसीटर नाम की मसल पाई जाती है जो हमें खाना चबाने में मदद करती है। ये मसल इतने मजबूत होते हैं कि इसकी मदद से हम 90 किलो तक वजन उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, तो आपने अक्सर लोगों से एक दूसरे से ये कहते हुए तो सुना ही होगा, आप ग्लो कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मानव शरीर असल में चमकती है, यानी हमारी बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जी हाँ, ये बिल्कुल
सच है। पिछली हुई खोज से ये पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी असल में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन यह लाइट नॉर्मल आंखों से दिखने वाले लाइट से 1000 टाइम्स स्लो होता है, इसी कारण यह नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लाइट शरीर के अंदर लगातार होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से निकलती है। ये लाइट लोगों के चेहरे पर विजिबल होती है और यही लाइट हमें ग्लो के रूप में नजर आती है। फैक्ट नंबर 7, हम बिना किसी रुकावट के अपनी पलकों को लगातार झपकाते रहते हैं। क्या आपको पता है हमारी पलकों का हमारे हेल्थ से बहुत बड़ा कनेक्शन है। पलकों को झपकाने से आंखों को आराम मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है हम पूरे दिन में अपनी पलकों को अनंत बार झपकाते हैं। जैसे एक नॉर्मल इंसान अपनी पलकों को एक मिनट में 15 से 17 बार पलकों को झपकाता है, और तो और अनंत बार पलकों को झपकाने से एक दिन में इंसानों की आंखें 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहती हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने स्कूल में आज तक ये पढ़ाई होगा कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब एक शरीर का जन्म होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 हड्डियां कैसे होती हैं। असल में दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनकी कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे धीरे धीरे मानव के शरीर में 300 से कम होकर 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हमारे शरीर में मौजूद किडनी का सेल हमारे आंखों और कानों की तरह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। दरअसल हम सभी लोगों के लेफ्ट साइड की किडनी साइड की किडनी के कंपेयर में थोड़ा सा छोटा होता है। यह इसलिए छोटा होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस दिल ले लेता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों RH नल से पाए जाने वाले खून पूरी दुनिया के सबसे रेयर ब्लड ग्रुप में से एक है। इसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में यह ब्लड सिर्फ 43 लोगों में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है रात में ली गई फोटो में हमारी आंख लाल क्यों दिखाई देती है। नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। यह इसलिए होता है क्योंकि रात में ली जाने वाली फोटो से लाइट आपकी आंखों में चली जाती है, जिससे आंखों में मौजूद ब्लड भी कैप्चर हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो उसे सभी वस्तुएं ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं। जन्म के 12 महीने बाद ही वह रंगों को पूरी तरह से देख पाता है। फैक्ट नंबर 1, क्यों कुछ सिचुएशन में हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कभी अचानक लाइट के बंद होने पर या किसी डरावने चीज को देखने पर और इसी तरह आप पसीने से भीगे हों और तेज हवा के चलने पर, इन सभी सिचुएशन में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब आप किसी सिचुएशन से गुजरते हैं तो आपके शरीर में एक एड्रेनलिन नामक हार्मोन रिलीज होने लगता है, इसी कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब आपको डर लगता है या आप स्ट्रेस में होते हैं तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन अचानक से ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।